IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। And this is the only progesterone which is orally acting and safe in pregnancy available in India. नमस्कार, मैं हूँ भावना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस खास और स्पेशल एपिसोड में। इस वक्त हम इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो कि चल रही है इस वक्त पुणे में, IVF को लेकर के और उनकी तकनीकों को लेकर के तमाम मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। और भारत से 700 से भी ज़्यादा IVF स्पेशलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है इस स्पेशल कॉन्फ्रेंस में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। IVF की नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है प्राइमोविजन, जिसके बारे में बताएंगे हमें PP नायर जी। सर, आप मुझे बता रहे थे कि एम्ब्रियोज जब फॉर्म होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहती हूँ किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसे। ये एक औरत पेशेंट लेडी पेशेंट से कितना एम्ब्रियो बना सकता है, वो एम्ब्रियो सब बना के हम एक डिश में इसका माइक्रोस्कोप में रखता है। 9 एम्ब्रियोस भी रख सकता है, 16 एम्ब्रियोस भी रख सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक लेडी के 16 एम्ब्रियोस तक रख सकते हैं। इधर 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 ऊपर इधर रख सकता है। वही एक कैमरा है, एक कैमरा एवरी 5 मिनट में ये फोटो खींचता है, फोटो खींच के ये कंप्यूटर से रिकॉर्ड होता है। तो आप ये जिस तरीके से मुझे बता रहे थे कि ये मशीन ये भी डिटेक्ट कर लेती है कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी क्या है और क्या उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या नहीं। ज़रूर ज़रूर, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है। सो डॉक्टरों को इवन दिन में और रात में वो रिकॉर्ड देख के बता सकता है क्या एम्ब्रियो अच्छा है या एम्ब्रियो अच्छा नहीं। तो मिस्टर नायर की डॉक्टर्स का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता होगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि IVF का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 35-40% है, तो इससे हम क्या उस सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं ज़रूर, इस 10-15% सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। ये जितनी भी आप मशीनरीज देख रहे हैं ये सारी हैं लैप्रोस्कोपिक मशीनरीज, पर IVF में इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है ये जानने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी मिस्टर अरविंद बिंदल से, जो कि हेगर जर्मनी से हैं। सर, आप मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे कि ये मशीनरीज किस तरीके से IVF में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली IVF में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी हम IVF में करते हैं उसको हमें यूट्रस के अंदर से देखना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये हेगर जर्मनी की लेटेस्ट क्वालिटी का हिस्ट्रोस्कोप है, जिसे हम लोग ऑपरेटिव ऑफिस हिस्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। ऑपरेटिव यानी कि हम लोग उसमें कुछ ऑपरेटिव कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कैसे ये काम करता है। यूट्रस में तो भी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको अपने ईयर्स में दिखाऊँगा कि कैसे दिखता है, जिससे आपके दर्शक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो रहता है मिसकैरेजेस का, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैभव हैं हमें बताने के लिए कि जो डुपास्टोन आप मेडिसिन देख रहे हैं ये मिसकैरेजेस को रोकने के लिए है। मिस्टर वैभव, कैसे काम करती है मेडिसिन और USP क्या है इस? ये मेडिसिन ऐसी है मैम, दिस इज द ओनली नेचुरल प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज ओरली एक्टिंग, या डायोजेनिन करके एक मॉलिक्यूल है उससे डिराइव की जाती है। इसका सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि ओरली 10 मिलीग्राम अपर BID दे देते हैं दिन में दो बार, तो इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द मिसकैरेज रेट बाय 92%। IVF लैब्स में तरह तरह के पदार्थों का इस्तेमाल होता है, तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल होता है, उसमें से एक होता है नाइट्रोजन सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके के कंटेनर्स में रखा जाता है उस नाइट्रोजन सॉल्यूशन को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और उसको अगर हमारी स्किन पे इन सब चीज़ों का हार्म ना जाए तो हमें कुछ इस तरह के सूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो भी डॉक्टर्स होते हैं लैब में वो इस तरह के सूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ऋतु पटेल और
गीतांजलि हमारे साथ हैं। ऋतु, आप मुझे ये समझा रही थी कि इस नाइट्रोजन से स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कोल्ड और पस पड़ने का भी बहुत ज़्यादा डर है। राइट, अ लिटिल बिट ऑफ स्पिलेज, थोड़ा भी स्पिलेज अगर आपके बॉडी पे होता है तो आपका पूरा स्किन डैमेज हो सकता है। थोड़ा भी स्पिलेज अगर आपके हाथ पे आ गया, इट कैन लीड टू स्वेलिंग्स, इट कैन डायरेक्टली आपको कोल्ड बर्न्स हो सकते हैं। वो पार्ट ऑफ बॉडी शायद आप कभी यूज़ भी ना कर सके, तो उसके सेफ्टी के लिए आपको हमेशा उसके रिलेटेड, उसके वो टेम्परेचर को सस्टेन करने वाले ग्लव्स इस्तेमाल करना पड़ता है। देर आर ग्लव्स, उसके रिलेटेड सूट्स भी होते हैं, पूरे क्रायो सूट होता है, आपकी बॉडी बच सकती है। देर आर फेस शील्ड्स ऑल्सो, आपका फेस उससे बच सकता है। वो पूरा आपके बॉडी पे इसको पहन सकते हैं। ये सूट्स है जो डॉक्टर्स पहनते हैं IVF लैब में, ताकि किसी भी नाइट्रोजन के जो गैसेस हैं या लिक्विड है उसका, उससे आपकी स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट ना जाए। और इस फेस को ढकने के लिए आप इस तरीके की फेस शील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका फेस उस टेम्परेचर से, थोड़ा भी स्पिलेज से बच सके। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। And this is the only progesterone which is orally acting and safe in pregnancy available in India. और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपको IVF के बारे में बताने के लिए, लेकिन उसके लिए लौट कराना पड़ेगा आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। एंड दिस इज द ओनली प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज ओरली एक्टिंग एंड सेफ इन प्रेगनेंसी अवेलेबल इन इंडिया। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। एंड दिस इज द ओनली प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज ओरली एक्टिंग एंड सेफ इन प्रेगनेंसी अवेलेबल इन इंडिया। दिल्ली से डॉक्टर ब्रिगेडियर शर्मा हमारे साथ में हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर IVF स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो सर, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को एक मिथ रहता है IVF को लेकर, क्योंकि पता नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि IVF एग्जैक्टली क्या होता है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि IVF कोई अननेचुरल मेथड नहीं है, ये नेचुरल मेथड है जिसमें लेडी को इंजेक्शन दे के एग्स बनाए जाते हैं, और एग्स को फिर अंडर एनेस्थीसिया बाहर निकाल के उसके पति के शुक्राणु से मिला के 48 घंटे तक उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, और इस समय तक जो है बच्चा बनना शुरू हो जाता है, और 48 घंटे के बाद जो है उस बच्चे को वापस यूट्रस में डाला जाता है। तो ये इसमें क्योंकि औरत का ही अंडा लिया गया है और उसके पति का ही स्पर्म लिया गया है, तो कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ नहीं है। इनफर्टिलिटी के डॉक्टर मैं जानना चाहूँगी कि और किस किस तरह के कारण होते हैं, क्योंकि अभी जो इनफर्टिलिटी जैसा शब्द है ये एक हम प्रचलन में सुनते आ रहे हैं कि शादी लेट हुई है तो बच्चा लेट और कर दिया, तो इनफर्टाइल निकल रहा है, और आई थिंक यंगस्टर्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उसके कारण क्या है? कारण पति में हो सकता है या कारण पत्नी में हो सकता है, और दोनों में जो आजकल का जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशंस बढ़ रही हैं, और खाना का जो बदलाव आ रहा है, हम लोग मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज खाना शुरू कर रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, उसके कारण जो है कुछ काफ़ी डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं, और जिसके कारण जो अंडे बनने की प्रक्रिया और या शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों में इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा जो है इन्फेक्शंस कॉमन हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके कारण जो है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है इन्फेक्शन बढ़ता है। इस वक्त डॉक्टर आभा मजूमदार, जो कि एक IVF स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी के मेन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी के ऑल ओवर द वर्ल्ड तीन मेन कॉजेज़ हैं।
एक ट्यूब्स में खराबी हो जाना, दूसरा मेल फैक्टर होना जिसमें स्पर्म्स की बहुत कमी हो जाती है, और तीसरा बड़ा ग्रुप है जहाँ कोई भी चीज़ पता नहीं चलती है कि क्यों इनफर्टाइल हो गया कपल। ट्यूब्स भी ठीक हैं, ओवुलेशन भी ठीक होता है और सीमेन फैक्टर भी ठीक है। ये तीन बड़े ग्रुप्स हैं जो हम लोग टैकल करते हैं फर्टिलिटी में। जब मैम कोई भी कपल IVF के लिए जाता है तो वो उसकी एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि इनफर्टाइल अगर वो है या फिर 25 या 26 की एज में अगर वो नहीं कंसीव कर रहा है तो आई थिंक उसके लिए अभी टाइम है, लेकिन एक एग्जैक्ट एज क्या होती है? सबसे अच्छी एज कंसीव करने की विद इन 20s है, 30s तक कंसीव कर जाए, लेकिन IVF में जाने के लिए 40 तक की एज अपने खुद के एग से बहुत अच्छी है। आफ्टर 40 मुश्किल हो जाता है अपने एग से प्रेग्नेंट होना, एंड 42, 43, 44 तक के लोग कभी कभी प्रेग्नेंट हो जाते हैं अपने एग से, पर उसके बाद नहीं हो पाते हैं और उन्हें डोनर एग्स का यूज़ करना पड़ता है। और मैम एक सबसे बड़ा मिथ है PCOD को लेकर के और PCOS को लेकर के कि शायद ये भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि PCOD एग्जैक्टली क्या होता है और क्या ये एक कारण है इनफर्टिलिटी का? PCOS जैसा नाम जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कारण है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का, और उसकी वजह से ओवुलेशन होना बंद हो जाता है, इसलिए ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाता है। और अगर ओवुलेशन इंड्यूस होने के बावजूद ये लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं तब इनको IUI या IVF का सहारा लेना पड़ता है। मैम आखिरी सवाल कि हम हमेशा बात करते हैं सरोगेट मदर्स के बारे में कि कहीं वो बच्चा लेकर के तो नहीं भाग जाएंगी, सिक्योर है कि नहीं है, लेकिन इस बार जो बिल रखा गया उसमें पेरेंट्स के ऊपर भी पेनल्टीज लगाने की बात हुई है कि अगर उनके उनका बच्चा अपंग पैदा हो रहा है या किसी भी दिक्कत से पैदा हो रहा है तो अगर आप उस बच्चे को छोड़ देते हो तो आपके ऊपर 2 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट होगा, 50,000 का जुर्माना होगा, तो इस तरह के पेरेंट्स के लिए भी जो है पेनल्टीज आगे आ रही हैं, तो आपको लगता है कि सही चीज़ें? मुझे लगता है बहुत सही है, जैसे सरोगेट मदर पे पेनल्टीज थी ऐसे ही इंटेंडिंग पेरेंट्स में अगर ट्विंस हो और एक बच्चा उसमें से नॉर्मल ना हो या एक ही बच्चा हो वो नॉर्मल ना हो, अगर अपना नॉर्मल ना हो वो ज़रूर लेके जाते, सरोगेसी से हुए बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के लिए भी अन्याय है, देश के लिए भी और सरोगेट मदर के लिए भी। IFS की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती धुर पाटिल मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज किया गया है, IVF के मुद्दे को आप डिस्कस कर रहे हैं, सरोगेसी के मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं इन मुद्दों को डिस्कस करने के बाद? ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें एक्चुअली कॉन्ट्रावर्सी जो चल रही है अभी IVF के बारे में, बहुत सारे मिथ्स है और डॉक्टर्स लोगों को मालूम है कि कैसे कौन से गाइडलाइंस पे चलना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे रूल्स नहीं है, कायदे नहीं है इसके, तो जो अपने मन में आए वो करेगा, जो जिसके कॉन्शियस में बैठेगा वो करेगा, अच्छा करता है लेकिन फिर भी कुछ एक दिशा मिल जाए उनको। और IVF के लिए अगर कोई भी कपल जाना चाहता है तो उसकी एक परफेक्ट एज अगर आप लोगों ने डॉक्टर्स ने कुछ डिफाइन किया तो वो एज क्या है? हर एक पेशेंट का अलग होता है, ऐसे नहीं होता कि एज के हिसाब से ही जाना चाहिए, जैसे कि इनफर्टिलिटी अलग अलग कारणों से भी होती है, वो हमने पता करनी चाहिए कि किस वजह से आपको इनफर्टिलिटी है। तो कभी कभी जैसे सपोज़ मेल इनफर्टिलिटी है आपको, हस्बैंड में कोई स्पर्म का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्दी करेगा और करना ही चाहिए उसको, तो कभी कभी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर बोलते हैं कि जैसे बहुत जल्दी उसके अंडे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को तो बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। सो ये अलग अलग है, ऐसे एज कहीं फिक्स नहीं है, बट ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसे मैरिड लाइफ आपका जितना ज़्यादा लंबा होता जाए और आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, आपको कहीं पर फॉल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो भी वो एक जल्दी IVF करने की वजह हो सकती है, तो ऐसे कोई डिफाइन नहीं है उसका। अभी और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आप सभी लोगों को बताने के लिए IVF और सरोगेसी के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। एंड दिस इज द ओनली प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज ओरली एक्टिंग एंड सेफ इन प्रेगनेंसी अवेलेबल इन इंडिया।
IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। And this is the only progesterone which is orally acting and safe in pregnancy available in India. इस वक्त IFS की प्रेसिडेंट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया मलिक इस वक्त हमारे साथ में है और सारी चीजें आपके अंडर हुई हैं। तो क्या क्या मुद्दे सामने निकल कर आए, किस तरीके का निचोड़ निकल कर गया अगर हम IVF के बारे में बात करें सिर्फ? ये हमारा 10वां साल है। ये सोसाइटी 2005 में इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी बनी थी, हम लोग 20 मेंबर थे और बेसिकली जब बनाई तो हमने सोचा शायद दिल्ली बेस्ड सोसाइटी है क्योंकि हमारे को नॉर्थ में कुछ बहुत नज़र नहीं आ रहा था उस वक़्त, 2005 की बात है। और उसके बाद चलते चलते कारवां बढ़ता गया, अब हमारे 10 चैप्टर हैं और प्रेजेंस हमारी शायद पूरे देश में हो गई है और विदेश में भी काफ़ी हद तक हो गई है कि हर नुक्कड़ हर कोने पे एक IVF सेंटर खुल रहा है, जो कि देश के लिए शायद अच्छा नहीं है और लोगों का विश्वास इस बहुत ही अच्छी प्रणाली में घटता चला जा रहा है और लोगों को शक है डॉक्टरों के ऊपर, उनकी काबिलता के ऊपर और रिजल्ट्स के ऊपर, क्योंकि वैसे भी IVF में 100% रिजल्ट्स हम कभी कहते नहीं हैं। IVF से जुड़े बहुत सारे मिथ्स होते हैं हमारे दिमाग में, लोगों को लगता है कि पता नहीं टेस्ट ट्यूब क्या एक बड़ी एक अनोखी सी चीज़ होती है, और उन्हीं सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर श्वेता मित्तल सीनियर कंसल्टेंट IVF डिपार्टमेंट से गंगाराम से हमारे साथ में है। डॉक्टर श्वेता, क्यों इनफर्टिलिटी को लेकर के बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं IVF को लेकर के कंसेप्शन क्लियर भी होता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि पता नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी डॉक्टर्स कैसे बनाते होंगे, वो हमारा बायोलॉजिकल बेबी नहीं होता, तो उसमें क्लियर किस तरीके से किया जा सके, तो थोड़ा सा IVF के बारे में हमें समझाइए। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अब हमें IVF फर्स्ट बेबी हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत में हम बहुत से पेशेंट्स देखेंगे। डेफिनेटली IVF की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन आज भी दिल्ली में भी पेशेंट्स आते हैं जिनके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, गलत भावनाएं हैं ये लेकर कि IVF कोई ऐसा आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जो मे बी टेस्ट ट्यूब्स में किया जाता है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये तो एक कॉमन मैन का टर्म है, इसका एक्चुअल नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसमें सिर्फ वो प्रक्रिया जो 2 से 5 दिन की प्रक्रिया जो नली में होती है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस हम अपने लैब में करते हैं। और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है, ये कोई बेबी बना हुआ नहीं है, ये एम्ब्रियो है, भ्रूण है, जो बेसिकली एक सेल का गुच्छा है जिसको हम बच्चेदानी में उस समय डालते हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस में जिस समय वो यूट्रस में पहुंचता है। सो ये कोई ऐसे आर्टिफिशियल प्रोसीजर नहीं है या प्रोसीजर नहीं है जिसमें टेस्ट ट्यूब में बेबी बन रहा है, लेकिन सिर्फ वो 2 से 5 दिन की प्रक्रिया है जो नॉर्मली नली में होती है, ट्यूब्स में होती है। एम्ब्रियोज की मैम जिस तरीके से आपने बात की कि मैंने सुना है कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी को क्या इन्हेंस भी किया जा सकता है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो? देखिए, एम्ब्रियो क्वालिटी 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की एज, जो महिला है उसकी क्या उम्र है, क्योंकि जो अंडे जो हमारे एग्स हैं उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एम्ब्रियोस कैसे बन रहे हैं। नंबर 2 डिपेंड करता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स कैसे हैं, एज कितनी है हस्बैंड की और स्पर्म क्वालिटी कैसी है। 3री चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जिस IVF सेंटर में एम्ब्रियोस बन रहे हैं उसकी इनहेरेंट लैब की कंडीशन कैसी है। तो जितनी अच्छी कल्चर कंडीशन होगी, जितने आपके सिस्टम्स लाइन में होंगे, उतने अच्छे एम्ब्रियोस बनेंगे। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि अंडों की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है कि मदर की एज कितनी है, तो एक परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए जब आपके अंडे जो हैं परफेक्ट होते हैं? हम ये बिलीव करते हैं कि 37 ईयर्स से कम उम्र की महिलाएं बेटर एग्स बनाएंगी। 37 ईयर्स, 35 साल के बाद या 37 ईयर्स के बाद डेफिनेटली अंडों की जो क्वालिटी है वो पुअर होती है। बहुत ऑल्सो निर्भर करता है आपके बचपन से डाइट और न्यूट्रिशन कैसा रहा, दूसरा आपकी कोई कैंसर थेरेपी तो नहीं हुई है पहले, या कोई ऐसी मेडिकल इन्फेक्शन जैसे पेट के रिपीटेड इन्फेक्शंस, पेल्विक इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों से हम देखते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें हम देखते हैं कि इवन कम एज की महिलाओं की एग क्वालिटी पुअर होती है।
मैम, एग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से स्पर्म डोनर्स का चलन चल चुका है विकी डोनर के बाद में, अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन एग डोनर्स नहीं आती हैं सामने, ऐसा क्यों? बिकॉज स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन में बहुत अंतर है. स्पर्म डोनेशन, एक स्पर्म कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, लेकिन एग डोनेशन जो है वो पूरा IVF एक प्रोसेस है जिसमें जो एग डोनर है उसको इंजेक्शंस मिलेंगे, उसके एग्स बाहर निकाले जाएंगे, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है. सो स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन में बहुत डिफरेंस है. IVF के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो होता है सरोगेसी, और अब खुलते जा रहे हैं कई नए सरोगेट होम. और ऐसे ही एक सरोगेट होम के MD मिस्टर बजरंग सहारन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं. मिस्टर बजरंग, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरोगेट्स जो हैं उनकी केयर आप लोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सरोगेट होम अगर हम सुनते हैं तो हॉस्पिटल जैसा हमें कुछ समझ में आता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कुछ केयर करते होंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये हॉस्पिटल टाइप का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. सरोगेट होम, जैसा कि होम इसमें एक वर्ड इन्वॉल्व है, दैट इज जस्ट लाइक ए कॉमन होम वेयर वी आर लिविंग, दैट इज एज सेम एज हाँ फ्यू मोर हाँ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू द सरोगेट लेडीज, लाइक न्यूट्रिशनल डाइट है. सरोगेट्स आर स्टेइंग इन दैट एरिया के यू कैनॉट मॉनिटर की वॉट शी इज टेकिंग और नॉट, इज शी इज टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली और नॉट, वी नेवर नो. सो द बेसिक आइडिया टू ओपन अप द सरोगेट होम इज जस्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू दैट सरोगेट लेडी. मॉनिटरिंग की जैसे आपने बात की, तो क्या वो पूरे पूरे 9 महीने उस मॉनिटरिंग की वजह से सरोगेट होम्स में रहती? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 9 महीने सरोगेट होम में रहे, ना ही कोई ऐसी गाइडलाइन है कि सरोगेट शुड स्टे इन सरोगेट होम ओनली. इनिशियली क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में कुछ थोड़ा सा जो टाइम अराउंड 15 to 20 days का रहता है, उस टाइम पर बेड रेस्ट मैंडेटरी रहता है, नॉट मैंडेटरी बट थोड़ा बेड रेस्ट चाहिए होता है सरोगेट को. सेकेंड थिंग, जो मेडिसिन जो जाती हैं सरोगेट को आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IVF के बाद में, वो मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस पूरे सरोगेसी प्रोसेस को एक सक्सेस बनाने में. हालांकि सरोगेसी में सक्सेस रेट इज़ नॉट मोर देन 50%, बट अगर उसमें भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो दैट गोज़ डाउन ऑल्सो. और जितने भी इंटेंडेंट पेरेंट्स होते हैं, क्या उनको अलाउड होता है सरोगेट से मिलना? क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हाइड करनी पड़ती है, तो क्या आप अलाउड करते हैं कि पेरेंट्स आकर के मिल सके सरोगेसी के अंदर? क्योंकि इसमें ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होता. पेशेंट इंटेंडेड पेरेंट्स समटाइम व्हाट दे डू, दे चूज देयर ओन सरोगेट. वो अपनी सरोगेट अपनी पसंद से भी चूज कर सकते हैं. नथिंग, समटाइम इट हैपन्स कि यहाँ पेशेंट आता है हमारे पास में, अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं, वी वॉन्ट एजुकेटेड सरोगेट, वी वॉन्ट हिंदू सरोगेट, वी वॉन्ट पर्टिकुलर मोहम्मदन मुस्लिम सरोगेट. अगेन अलग अलग रीजन्स रहते हैं सबके. तो जैसे कि कहा जाता है कि जो भी बच्चे सरोगेसी से पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड, तो हमेशा क्या ऐसा होता है कि सरोगेट को सी सेक्शन के अंडर जाना पड़ता है, या कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं? अभी अभी जैसा थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉक्टर कुलदीप जैन ने एक बात कही थी कि वी आर गेटिंग डॉक्यूमेंटेड दीज थिंग्स, वी हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटेड दीज थिंग्स. इन आर कंपनी वी हैव डिलीवर्ड 9 surrogates लास्ट टू मंथ्स. आउट ऑफ दिस 9, 7 surrogates गॉट नॉर्मल प्रेगनेंसी, ओनली 2 गॉट सीजेरियन सेक्शन. वन ऑफ देम गॉट सीजेरियन सेक्शन जस्ट बिकॉज शी वॉज कैरिंग ट्विंस. सेकेंड सरोगेट हर बेबी वॉज ऑफ 4 kg, अराउंड 4 kg, दैट वॉज द ओनली रीजन कि हाँ सीजेरियन सेक्शन से. अदरवाइज सरोगेट जो रहती हैं, जो डॉक्टर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि हाँ सारी सरोगेट से तो सीजेरियन सेक्शन से ही गुजरना पड़े. पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के लिए आपके सरोगेट होम में किस किस तरह के इंतजाम हैं? पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, फॉर एग्जाम्पल, दे आर जो सरोगेट हैं वो भी एक नॉर्मल फीमेल की तरह जिन्होंने डिलीवर किया है. कोई भी नॉर्मल फीमेल जो लेडी होती है अपने डिलीवर करने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में जैसे अपने घर पे जाके रेस्ट करती हैं, सेम चीज़ आफ्टर डिलीवरी वी कीप दी सरोगेट्स विद अस ओनली 7 दिन के लिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे. इफ़ एवरीथिंग इज स्मूथ देन दे कैन रिटर्न टू देयर होम. मिस्टर बजरंग, मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया हो, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चा नहीं चाहते हैं, वो आपको कहते हैं कि अबॉर्ट कर दीजिए? नहीं, एज पर गाइडलाइंस दे कैन नॉट अबॉर्ट इनिशियली. अगर बेबी में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, बेबी इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सो दे कैन नॉट बैक आउट एज पर द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले साइन होता है.
बार बार जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस पे ही चल रही है सरोगेसी इस वक्त, और अभी जो है बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको कितनी उम्मीदें हैं और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि उस बिल में इंट्रोड्यूस की जाएँ और पास हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि अभी इंडिया जो है सरोगेसी के लिए इंटरनेशनल हब है, इंटरनेशनल सरोगेसी काफ़ी वो है इंडिया में जो डिमांड है। लास्ट ईयर कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, गे कपल सरोगेसी, सिंगल पेरेंट सरोगेसी वॉज बैंड इन इंडिया फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली। सो वन मोर थिंग इज देयर कि हाँ, इसमें सरोगेट के हितों की भी, जो बेबी के जो बच्चा जो होता रहा है सरोगेट से उसके हितों की, और साथ में जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं जो अपना बच्चा नहीं हो पा रहा है जिनका, उनके तीनों के हितों का ध्यान रखते हुए ये बिल पास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि IVF और सरोगेसी को लेकर के जितने भी आपके मन में शंकाएं थी उन्हें आज दूर करने की हमने एक कोशिश की है। हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन नैनेश्वर के साथ भावना गुप्ता, VIP न्यूज पुणे। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर बॉडी के बाहर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म प्राप्त किए जाते हैं। And this is the only progesterone which is orally acting and safe in pregnancy available in India.